एक और भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू एवं महामंत्री रवि सिंह के नेतृत्व में बीएसपी के मान्यता प्राप्त यूनियन बीएमएस ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कैंटीन के महाप्रबंधक अरविंद रतन के नाम ज्ञापन देकर कहा कि कैंटीन में व्याप्त अव्यवस्था के कारण सभी कैंटीनों का टेंडर निरस्त किया जाए। कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने कहा कि भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संयंत्र के विभिन्न कैंटीनों का दौरा किया जिसमें गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खाने में इल्ली पाई जा रही है। कैंटीन संचालन की ठेका शर्तों में जिस गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का उल्लेख किया गया है उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। निम्न स्तर के तेल, चावल और अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंटीन में खाद्य सामग्री और चाय का जो मूल्य निर्धारित किया गया है उससे अधिक मूल्य कर्मचारियों से वसूला जा रहा है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस की आज हॉस्पिटल प्रमुख प्रबंधक और सारे स्टाफ के साथ बैठक हुई और हमारे बीएमएस के यहाँ के पदाधिकारी, मैं और हमारे महामंत्री श्री रवि सिंह जी उपस्थित थे। साथ में हमने बहुत सारे विषयों पर प्रबंधन से बात किया, चर्चा की। प्रमुख यहाँ पे कार्डियोलॉजी जो 24 घंटा उपलब्ध नहीं है, हमारी ओर से मांग किया कि 24 घंटे कार्डियोलॉजी उपलब्ध रहे, और न्यूरो सर्जन भी नहीं है उसकी भी मांग की, और जो समय पर दवाई बहुत सारी उपलब्ध नहीं होती उन दवाइयों को भी तत्काल उपलब्ध कराया जाए, कोई मरीज को यहाँ से परेशानी ना हो। हमारे कर्मचारी जो अंदर इस ऐसी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको घंटों यहाँ घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। हम मांग किए हैं कि जल्द से जल्द उनका निराकरण हो। साथ में हॉस्पिटल में जो टॉयलेट जो साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉयलेट टूटी फूटी है, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने 2 महीने का समय मांगा है। 2 महीने में सारा चीज़ सुधारने का आश्वासन दिया है।